साइंस फरवरी 31 को आजाद जी जब इलाहाबाद गए थे अल्फ्रेड पार्क जाना था इनको, तो एक देश से वहाँ से पैसा इनको मिलना था, उससे ये हथियार मंगाते देखो क्या करते। अच्छा उस समय भी ये टर्म ये सचिन चंद्र हुआ करते थे कि हथियार, मतलब हथियार इनके पास कहाँ से आएंगे, हथियार कैसे आएंगे, हथियार तो ऐसे होते थे सब शिक्षा अपनी योजनाएं होती है। मतलब उस समय भी विदेशों में हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे, कनाडा में अमेरिका में थे, कहाँ लोग थे। तो उस समय ये आनंद भवन पहले गए करीब 10:15 बजे आनंद भवन गए थे, वहाँ नेहरू जी मदन मोहन मालवीय जी कई लोग थे एक बैठक कर रहा, तो उन्होंने खबर भिजवाई कि हमें नेहरू जी से बात करनी, जवाहरलाल जी से हम अपना नाम बताया उन्होंने। थोड़ी देर में नेहरू जी आए बाहर बरामदे में मिले, आजाद जी ने उनसे पूछा कि पंडित जी आप ये बताइए कि आगे आने वाले समय में देश को आज़ादी मिलेगी, अंग्रेज जाएंगे, आप लोग समझौते में क्या क्या शर्त उनकी है, क्या आप रख रहे हैं। तो बोले आपका मकसद क्या पूछिए, तो बोले हम इसलिए सोच रहे हैं कि हमारे जैसे जो क्रांतिकारी लोग हैं जिनपे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं, लोग फरार हैं, फांसी की सजा पाए लोग फरार हैं, हम विश्व फरार चल रहे हैं, तो इनके लिए क्या आप रखेंगे प्राविधान आज़ादी के लिए, क्या ये राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलते रहेंगे, फांसी की सजा बरकरार रहेगी, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो नेहरू जी ने कहा ये सब वैसे ही चलते हैं। तो फिर बहुत गर्म हुए थे, बिगड़े थे और काफी माहौल गर्म हो गया, सारे लोग बाहर आ गए। वहीं से ये आजाद जी ने चैलेंज किया इनको, ठीक है तुम करना ठीक चलाओ, अल्फ्रेड पार्क के सामने था उसमें चले गए। तुम वो खबरी नेहरू जी की पुलिस मैंने भी ऐसा पढ़ा है, ये ढाई मिनट के अंदर और उससे पहले पूरा पार ले लिया गया हजारों अधिकारी, क्योंकि ये उनके क्रांतिकारी भाइयों से तो नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय इनको डर ये था कि अगर क्रांतिकारी बढ़ गए हम दब गए तो हमारा नाम निशान नहीं रहेगा, यही सब कुछ होंगे देश में छूट दे जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री बने ये बने वो, क्रांतिकारियों ने देश चलाया तो देश की पोजिशन कुछ और, तो वाकई में कुछ और। आजादी का उद्देश्य केवल आजादी दिलाना ही नहीं था, भगत सिंह का संविधान बनाया हुआ था, जी जी उन्होंने काफी प्लानिंग कर रखी थी कि आजादी के बाद देश कैसे, भगत सिंह जी जी आजादी की सहमत है कि देश की संरचना कैसी होगी, गरीब कोई नहीं रहेगा, भेदभाव अमीरी गरीबी से खत्म होगा और हिंदुस्तान में कोई इंसान किसी इंसान की गुलामी नहीं करेगा, ये प्रमुख लक्ष्य था इनके, संविधान भगत सिंह का लिखा हुआ जी जी। कई लोग मामूली थे लेकिन अब इनको रात नहीं आए, दबा दिया, गोरी कर दी, शहीद हो गए बेचारे, वरना अभी इतनी जल्दी वो नहीं जाते जी, बहुत निगरते बहुत साहसी है इनके, तो संक्रमण हम लोगों ने बहुत सुने जो इनके अभिन्न क्रांतिकारी साथी यहाँ थे वो बताया करते थे। एक थे रायबरेली जिला के अहार गांव वहाँ के महावीर प्रसाद, वो भी नहीं कि क्रांतिकारी दल में उनके साथी करीब करीब बैठे थे, जैसे भगत सिंह जी, वो बहुत संक्रमण सुनाया करते थे, रोने लगते थे उनका, उनके जनता बैठे रोने लगती थी यहाँ आ जाते। एक बार बता रहे थे कि झांसी से पैदल चले दोनों लोग आए, महावीर सिंह जी प्रसाद जी और आजाद जी, तीन दिन में तीसरे दिन रात में डीएवी कॉलेज हॉस्पिटल में आए और वहाँ बता रहे थे कि आए आजाद जी थोड़ी बातचीत कर दी किया उन लोगों को और पढ़ के जमीन में सो गए, खजाते भरने लोगों को तो गले हमारे भी खूब जोर भूख लगी, तीन दिन चलते चलते पाँव में खाले पड़ गए, तो और काफी लोग क्रांतिकारी से हुए भी थे, उन्होंने कहा कि लगाने दिन में किसी को नहीं था, तो बहुत खराब हम लोग सब लोग घूमते बैठे, जो पैसे जो
में केवल में चना वो जो मुझे भैया वो लोग बोले भैया नहीं तो आना नहीं कम से कम 2 रुपए थे और पूरी सब्जी ला आ जाए तो नहीं दिया तो ये खाने पीने मौज करने के लिए पैसा नहीं भैया जो आनंद लिया उसी जो आनंद और सुबह तड़के फिर महादेव को जगाया भी चलो मेरे पास चल पड़े पूछने का साहब नहीं कहाँ चलना पीछे पीछे लग गए तो बताते थे कि चलते चलते गंगा नदी पार की और कांटा कटीला पर गंदी रास्ता उबड़ खाबड़ किसी तरह जब सवेरा कुछ कुछ होने लगा उठेगा तो एक गांव मिला उसको पार किया थोड़ी देर में फिर एक गांव मिला तब तक वो अपनी भी काफी आ गई सूर्य भगवान जी लालिमा आ गई सामने उसी गांव के अंदर प्रवेश किया तो गलियों से रहते हुए घर की कुंजी खटखटाई अलग से हमने मन में सोचा कि हो सकता ये खरोन आज हमको अपने घर लाए कुंजी खटखटाई तो है तक माता जी ने दरवाजा खोला और जैसे ही इनको देखा इन्हें चिपका के अंदर देखा रोने लगी तब मैं पूरा पक्का हो गया कि ये माता जी ये खाते हैं अच्छा गाँव का नाम तब भी नहीं पता था अच्छा और थोड़ी देर बैठे फिर ये बोले कि अम्मा भूख बहुत लगी लाओ कुछ खाने दे तो वो बाहर निकल गई और किसी के घर से 2 बासी रोटी थोड़ी सब्जी रखी थी वो खाने की रोटी तो आधी हमको सब्जी रख कर 1.5 रोटी में खा गए और 1 लोटा पानी दिया तो वो माता जी ने इनको फिर कस के जकड़ लिया पकड़ा रख दी तो रोने लगे कि नहीं अब संतों को कहीं निकालने लगे इतने साल बाद आए अब तुम यही रहो हम बुढ़ापा अब हम तुम्हारी शादियाँ भी हो जाएगी कम से कम हमारी सेवा खाना तो मिलेगा तो उसको झटक दिया गिर पड़ी नीचे अगर नीचे गिर पड़ी रोती रही और ये हमसे बोले चलो चलो बाहर निकल आए तो हमने कहा कि भैया माता जी से हाथ करते थे हाथ से दिन से बोले हाथ से चलो हाथ से बोले अगर हमको बहुत जोर से काम इनके व्यक्ति माताएं हजारों मर रही हो रही है देश आजाद हो जाएगा माता बंधन मुक्त हो जाएगी हमारी भारत माता तब हम यहाँ आएंगे तो चलेगा बहुत संतना है दिलेरी के साहस वाले कभी छुपे नहीं वो जो कि उस समय पहला इनाम इनसे घोषित किया था वाजपेयी जनरल दिल्ली का पोस्टर लगवाए थे देश जी और एक दिन ये वाजपेयी के बंगले पे दिल्ली को पहुंच गया नीचे गार्ड थे संगीनदारी उन्होंने उनको रोक दिया ये अपनी वही वेशभूषा गांठी तक कमी धोती यहाँ पर चप्पल और कमी मैं लेके चले उन लोगों ने इनको भगाना शुरू किया भग जाए तो ये बोले कि देखो ऐसा हम भग तो जाएंगे चले जाएंगे लेकिन हमें बहुत कोपनी सूचना आपके साहब को देने बुलवाया उन्होंने और अगर उनको बाद में मालूम हुआ कि हमारा आदमी आया और भगा दिया गया तो फिर तुम लोग समझ लो क्या सजा मिलेगी तुमको अगर उन लोगों ने कहा जाओ ये हम लोग से बंगले में पहुँच गए तो उस समय वायसराय जनरल पेपर और नाश्ता कर रहा था मेरा था जब पहुंचे तो उसको आवाज वो तो आया अंदर देखा तो वो भी चमका कि ये आदमी का टीचर देखा हूँ तो ये स्वयं बोले कि मैं संते का राजा हूँ जिसके ऊपर आपने इनाम रखा पूरे देश में पोस्टर चिपका तो ये इनाम कोई दूसरा तो ले नहीं पाएगा आप ही ले लो इनाम हम आ गए पकड़ो ये गोली मारो अरे उसका पेपर वेपर कुर्सी लड़खड़ा के गिर गया नीचे उनको काटता रहा तो ये बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं गिरफ्तार कर रहे हो ना मार रहे हो हम जा रहे हैं वापस लेकिन ये समझ लेना अगर कोई हलचल हुई शहर के अंदर तुम बचोगे नहीं ये निकल आए और करीब 1.5 घंटा बाद पूरी दिल्ली छावनी बन गई गली गली आराम से निकल शेर से शेर दुनिया में नहीं मिलेगा कोई ऐसी इतना साहस बहुत
तो उनके यहाँ पहले सामने जो देखा है उनके जो बचपन के साथी से थे वो कच्चा चार का जो पढ़े थे सामने वो लोग बताया करते थे, हमारे पूर्वज भी बताते थे बाबा वगैरह सामने वो नीम के पेड़ है वहाँ स्कूल अच्छा तो ये सामने हाँ वो सामने नीम जो है वहाँ है बिल्डिंग मंदिर पहले छप्पा करता था उसको तो वहीं ये लाल झंडा दिखाई पड़ रहा है ये पार्टी लोगों का मोहल्ला है अच्छा तो यहाँ एक था कल्लू पार्टी गरीब थी उसमें बहुत थी अंग्रेज लोग लगा लो थे उसको ये कई साल से दे नहीं पाया तो इसको अंग्रेज पुलिस पकड़ के सारा घर का सामान जो भी था टूटा फूटा वो बाहर लिया उसको पिटाई चालू कर दी। आजाद जी ने वहाँ से देखा छप्पर के नीचे था वहाँ से दौड़ते आए और एक यहीं महल के किनारा ये महल बना यहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसको मार दिया फूट गया सोना जो तो मार के वही सामने गली तो अपने घर के अंदर चले गए अब हड़कम मच गया अंग्रेज दरोगा था उसको पत्थर मारना पत्थर घर पर उनको पिताजी उनके निकले कहा उनको भी काफी अपमानित किया उन्होंने बोला जी निकालो लड़के को अपने नहीं हम निकालेंगे अंदर घुस के अरे बुलाए सामने पूछा क्यों मारा उनको पूछा पत्थर की ईटा क्यों मारा तो कहला क्यों हमारे कल्लू बाबा को मार रहे थे इसलिए हमने मारा बुद्धे आदमी लाठी चला रहे थे उसके रो रो रहा था गिरे तड़प रहा इसलिए हमने ऐसे गाँव बहुत अच्छा हुआ गाँव का पत्थर ये होगा वो हुआ पत्थर टोटल कुछ कर नहीं सकते उनके पिताजी को काफी ध्यान टपक के लोग गए पता चला पूरा ग्रुप ही उनका वैसा ग्रुप ही उनका बना पूरा बाद में एक जैसे माइंडसेट वाले लोग जब मिले सकते हो आजादी के नाना जी का Thank you.
बक्तुल मुबारक का मतलब हुआ नाम कुछ से करो बिल्कुल बहुत बेहतर नाम है। अच्छा बक्तुल तुल्य सर हाँ जी जी भारत में आए अपना काम किया और चले गए बिना किसी लोग लागत के।
बाबा इनका जन्म मैंने सुना है कि भावरा एमपी में हुआ था, लेकिन आप वास्तविकता बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, और जो एमपी से जुड़े हुए लोग हैं या जो एमपी ये समझते हैं कि उनका जन्म वास्तविकता में एमपी में हुआ था, जरा उन्हें जवाब दीजिए। उनका जन्म प्रमाणित है माता जी से बढ़ के, बाहर के लोग नहीं जान सकते कब हुआ कब नहीं। माता जी उनकी जब तक भद्रका में रही, इनके संबंध में जन्म तिथि और जन्म स्थान के संबंध में कभी कोई विवाद नहीं रहा। सन 51 में माता जी के निधन के बाद ये बुंदेलखंड के कुछ ऐसे तथाकथित क्रांतिकारी थे जो आजाद जी के दल में भी शामिल रहे, कई केसों में भी रहे, लेकिन अंत समय में सन 27-28 के दौरान उनमें से कुछ अंग्रेजों के मुखबिर बन गए। दुर्भाग्य था कि आजाद जी वर्ष 1931 में शहीद हो गए और सन 51 तक माता जी नहीं, तब तक कोई विवाद नहीं रहा। उसके बाद से उन्हीं तथाकथित क्रांतिकारियों ने आजाद के जीवन वृत्त को ही विवादित बना दिया। ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी गई कि ये आजाद जी मांसाहारी जनेऊ नहीं पहनते थे। उनका इरादा यह था कि हम लोग जीवित हैं, हमारी पूजा हो। आजाद जी तो चले गए धरती छोड़ गए, तो विवादित हुआ। लेकिन भद्रका में वर्ष 1938 में उनके जन्मदिन 7 जनवरी के दिन हमेशा अनवरत रूप से कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और यहीं पर वो सन 1958 में तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने चंद्रशेखर आजाद की स्मृति को और उनकी यादगार को हमेशा तरोताजा व अक्षुण बनाए रखने के लिए एक स्मारक का निर्माण कराया था। आजाद स्मारक जो बना हुआ है, ये देश का किसी शहीद के नाम से बना पहला स्मारक, और उस समय कभी किसी की जयंतियां नहीं मनाई जाती थी, भद्रका से ही सारे देश में जयंतियां मनाना चालू हुआ जो आज भी चल रहा है। और ये भद्रका को वर्ष 1913 में भारत सरकार ने पर्यटन केंद्र भी घोषित किया था, और इसके बहुमुखी विकास के लिए कई करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए थे। पर ये दुर्भाग्य है कि प्रदेश में केंद्र में सरकारें आती जाती रहीं, जातिवादी वाली सरकारें हैं, ऐसी सरकारों के महापुरुष भी अपने अलग अलग होते हैं और उनका महिमा मंडन सरकारें किया करती हैं अनवरत। और आजाद जी हैं, भगत सिंह जी हैं, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल जी, सुखदेव सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे लोगों के जन्म स्थानों खड़हे के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, दरअसल अपना अस्तित्व भूलते जा रहे हैं और लोग इनके इतिहास को ही आज भूल बैठे हैं। आम जनमानस और विशेषकर युवा पीढ़ी ऐसे अमर बलिदानी क्रांतिकारियों के इतिहास से बिल्कुल अज्ञानित और अपरिचित है। बाबा मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई एक आजाद जी के जीवन का कोई एक हिस्सा जिसमें उन्होंने पूरी तरह से निडरता दिखाई हो। आजाद जी बहुत ही जवामर्द, दिलेर और साहसी थे। प्रति उत्पन्न मति एक विशेष रूप से इनके अंदर थी, यानी कि कैसी भी विकट मुसीबत सामने हो उसके निर्णय लेने की क्षमता जो अब कहीं दिखाई नहीं पड़ती लोगों के दिमाग में, ये उनमें बहुत विशेषता थी। उस समय अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत काल में वायसराय जनरल ने दिल्ली से चंद्रशेखर आजाद जी पे प्रथम पुरस्कार घोषित किया था, जिंदा या मुर्दा पकड़ने में बताने वाले को। तो एक दिन चंद्रशेखर आजाद जी उसी वायसराय जनरल के बंगले के अंदर प्रवेश कर गए। वायसराय सामने बैठा था, चौंका इन्हें देखकर, और इन्होंने ये बताया कि चौकिए मत, मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ, जिनके ऊपर आपने पुरस्कार घोषित किया, पूरे देश में पोस्टर चिपकाए मेरे नाम और फोटो के, तो मैं इसलिए आया हूँ कि वो पुरस्कार देश का कोई अन्य व्यक्ति न प्राप्त कर सके, उसे आपने ही घोषित किया है और वो पुरस्कार आप ही ले, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे पकड़िए अथवा गोली से मार दीजिए, पुरस्कार ले लीजिए। इतना सुनते ही वायसराय जनरल कुर्सी से लड़खड़ाते हुए कांपते हुए नीचे गिर पड़ा था, और फिर वो उठ ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद आजाद जी बोले, ठीक है मैं आया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके मेरा। और उन्होंने मौजूद बाहर निकाला, उसको बोले कि मैं जा रहा हूँ,
एक घंटे तक कोई हलचल नहीं होनी चाहिए शहर के अंदर दिल्ली में, और अगर जरा से भी हलचल हुई, पुलिस आई, दिखाई पड़ी रोड पे, तो तुम बच नहीं पाओगे, जीवित नहीं रहोगे। और आजाद जी शाम से सर उठाए हुए बाहर निकले और चले आए। ठीक एक घंटे बाद पूरी दिल्ली की हर गली, हर स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मार्केट, गलियां, रोडें छावनी में परिवर्तित हुई। पुलिस ही पुलिस है कि आजाद किधर है उनको पकड़ो। तो ऐसे जवामर्द इंसान, राष्ट्रभक्त आज तक देश में क्या पूरी दुनिया में नहीं हुआ।